एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है जो एडिक्शन को ख़त्म कर सकती है, क्या होगा इसमें ऐसा? तो हम उधर चल के आप बिल्कुल हम सलाफे उधर चलते हैं और हम इसको इसमें क्या होगा, हर वो एक्सरसाइज जो आप में बैलेंस लेकर आए, हर वो एक्सरसाइज जो आपको सुकून दे, जो आपको पीस देना, हम वही ढूंढ रहे होते हैं सबसे ज़्यादा, इनर पीस नहीं है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, अब आसान है, इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप अपनी एक लेग को रेज करेंगे, सिर्फ फोकस होगा इसके अंदर, सिर्फ फोकस है कि आप अपनी लेग रेज करते हो, आप बेशक अपनी आंखें लेकिन शुरू में बंद नहीं होंगी, वो फिर बैलेंस आउट हो जाएगा, यहाँ तक रेज की। अब आपने देखा कि आपने इसको लिफ्ट किया हुआ है नीचे, थोड़ी देर बाद इस पर आप फोकस रखेंगे तकरीबन 30 सेकेंड, उसके बाद लेग आप अपनी जो स्विच कर लोगे। अब लोग कहेंगे कि ये किस तरह हो रहा है, हम ये कर रहे हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करें कि आपका फोकस किसी और चीज़ की तरफ हो, आप फिजिकल एक्टिविटी में तो आप इन्वॉल्व हो। अब रिलैक्स होने की जहाँ तक बात आती है, जब आपको क्रेविंग होना शुरू हो उसके अलावा भी आप इन आसन को प्रैक्टिस, इसे पाम ट्री पोज कहते हैं, अपनी टोज को आप उठाएंगे, साथ ही आपको रिलीफ भी मिलेगा अगर आपकी काव्स में पेन है तो। अच्छा, आपने ये उठाया, अब यहाँ आकर आपने होल्ड किया 1, 2, 3 कितने भी सेकेंड जो आपको ईजी लगता है, और जब आपने रिलीज़ किया तो आप एक्सहेल करेंगे, वहीं से आप इसको कंटिन्यू करोगे, इनहेल एंड एक्सहेल। एक चीज जिसको ब्रीदिंग के जरिए किस तरह होता है, अब ब्रीदिंग से पहले एक और चीज बताना बहुत अहम है कि आप अगर अपने, इसको हम मास्टर एरिया कहते हैं, अगर इसकी एक्सरसाइज या जो आपका यहाँ एनर्जी सेंटर होता है जिसे सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, उसके बारे में अगर आप फोकस करते हो उस पर, तो आपकी ये चीज क्योर होना शुरू हो जाती है। कैसे कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसको कलर से डिनोट किया जाता है येलो, ठीक है, आप मेडिटेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो येलो कलर के बारे में सोचें ताकि ये एरिया आपका हील हो, और आपके जो जितनी भी बीमारियाँ या कुछ भी होता है वो साइकोसोमेटिक होती हैं 80%, तो इसलिए इससे फ़र्क पड़ेगा इस पर। इनहेल किया, एक्सहेल। अब जब आप ये मेडिटेशन करें, इसमें फ़र्क क्यों होगा, इसे इमेजिनरी कहते हैं, इसके अंदर आप येलो कलर के बारे में सोच रहे हैं, या आप यहाँ येलो कलर सोच लो या वैसे येलो कलर के बारे में इमेजिन कर लो। अब बात ये सारी आप जो आसन बता रही है, ये योगा वो जो एडिक्शन है उसके लिए बता, उसके लिए बता रहे हैं कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो शिफ्ट होगा जब आप रिलैक्स होंगे, और तब एंडोर्फिन रिलीज होगा, और उससे आपको जो स्ट्रेस की वजह से जो ट्रिगर लगता है कि आपको फला फला चीज चाहिए, तो वो चीज कम होने शुरू होगी। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। अब एक यहाँ बॉल क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ बॉल इसलिए पड़ा हुआ है कि हम आपस में क्वेश्चन करते हैं, बहुत मुश्किल है, क्या इतनी स्ट्रेच नहीं होती किसी में, तो आप कोई भी चीज़ यहाँ यूज़ कर सकते हो, आपने अपने हाथ लॉक किए पीछे, स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल आप नीचे तक अगर नहीं जा सकते, आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ रखी, आपको पता है कि आपका लेवल कहाँ तक जा रहा है। यहाँ अब करना क्या है, उससे नीचे चला जाता है, लेकिन ये ट्राई कि आप अपने जो हाथ हैं उनको रेज करें और यहाँ रहें कितने देर। अब आपने 30 सेकंड यहाँ रहे, लेकिन बिगिनर 15 सेकंड रहेंगे, क्योंकि जाहिर है मुझे तो लग रहा है मैं 5-6 सेकंड रहे। हाँ, ये रहने के बाद, उसके बाद रिलैक्स। याद रखें, जिस चीज़ में भी आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्टिफ रखते हो ना, तो उसके बाद अपने जो बाजू हैं या जो भी नीज की ऐसी कोई एक्सरसाइज हो, उसके बाद उसको मूव जरूर कर लें। अब साथ ही हम रिलीफ की बात करते हैं, पेन। आजकल पेन ज़्यादा मैं देखती हूँ, लोग कहते हैं या तो बैक पेन है, बैक का पेन क्यों है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा है या कुछ भी बैक पेन का प्रॉब्लम है। एक तो हम बताते हैं आपको आर्च बनाना, जो आप बहुत आसान होता है, उसमें क्या होगा आपको, अब इसमें ये होगा कि अगर किसी ने योगा प्रैक्टिस नहीं भी किया हुआ, आपने सिर्फ और सिर्फ अब खड़े हुए अपनी जगह पे, यहाँ आप झुके, झुकने के बाद मतलब बैक आपकी स्ट्रेट होगी, आपने वॉक की, आप इसी तरह याद रखेंगे इसको, आपने वॉक की अपने हाथों से, जब वॉक करते हुए आप वापस आए, आपने इनहेल किया, इनहेल, अब यहाँ हाथ रखा, जैसा नॉर्मली कई दफ़ा हम खड़े भी होते हैं, आपने यहाँ हाथ रखा, अब आपने आर्च बनाई कमर के लिए, सही, ज्यादा आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, लेकिन आपने आर्च बनाई, जिनको बैक पेन उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उनके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप, आपकी जो बैक है उसकी रोटेशन काफी जरूरी है कि वो मूव करे। अब जितने लोग हैं ज्यादातर जिनको बैक पेन होता है, शाटिका तो है, लेकिन ओबेसिटी बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करती है, लेकिन यह है कि अगर आप थोड़ा भी शुरू में पीछे जा सके, जैसे कि अब इतनी आर्च बनाने की जरूरत नहीं है, ये डेंजरस होगा, तो इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है कि आपका जो ये पोस्चर है इससे थोड़ा सा आप मूव करें पीछे को, बस। उसके बाद उन लोगों को जिनको बैक का इस एरिया में कहीं पेन या कोई इशू है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको रोटेट कर लें और बहुत स्लो करें। मैं कहती हूँ कई दफा बहुत लोग एग्रेसिव होकर एक चीज करते हैं, शायद जल्दी करेंगे ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, लगता है कि जल्दी से किया तो हम जल्दी से पतले हो, ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकता, उससे नहीं हो सकता।